हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलोइलकेन और हेलोइलीन का केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसके पहले लेक्चर में देखे थे रिएक्शन विथ मेटल यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया, और फिर हम लोग देखे थे आपका नाभिकार्गिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हेलोइलीन का प्रॉपर्टीज है और ये आपका लेक्चर नंबर 15 है। 14 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और ये आपका हेलोइलकेन और हेलोइलीन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो डालिएगा हेडिंग, अगला नंबर थर्ड होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, कई बार हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो समझो, यहाँ पे जो टर्म है इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब क्या, ध्यान दो, इसका तो मतलब आप लोग समझ रहे हो प्रतिस्थापन, एक गया दूसरा आया, उसी को क्या बोल देते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन। यहाँ पे टर्म है इलेक्ट्रोफिलिक, और जो इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड है यह आया हुआ है कहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल से। इसी इलेक्ट्रोफाइल को याद कीजिए, हम शॉर्ट में क्या बोला करते थे, ई प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, उसी रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर देते हैं स्लो ध्यान से, रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, या मान लो कि यहाँ ए बी है, इसको हम सी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यह सी यहाँ से गया बी को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया ए सी और प्लस बी, तो इस सी को यहाँ से आने से बी क्या हुआ, चला हट गया और सी यहाँ पे जाकर ऐड हुआ। यदि यहाँ पे सी जो आ रहा है यह इलेक्ट्रोफाइल है, और जो यहाँ से बी निकल रहा है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, जो सी आ रहा है, यदि यह सी न्यूक्लियोफाइल है और जो बी यहाँ से हट रहा है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिकार्गिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, समझे बात को। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बेंजीन है और इस बेंजीन पे कोई हैलोजन है, क्या है, हैलोजन, एक्स इज इक्वल टू हैलोजन। याद करो इसी को तो हम हैलोइलीन बोला करते थे ना, यदि यहाँ पे Cl जोड़ दें तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। या इसमें सोचिए कि जो आपका हैलोजन है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर, आप पाओगे इस सभी के पास, चाहे आप किसी को उठा लो कोई दिक्कत नहीं, सबके पास लोन पेयर है, और एक नहीं तीन तीन लोन पेयर है। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन, तो तीन तीन लोन पेयर, एक अपना बॉन्ड बनाया होगा इसके साथ, तो होगा क्या, मान लो जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन है तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। सोचो अब कैसा वाले रहा है, कैसे जंप करेगा, कैसे पता चला कि जंप करेगा। देखो याद कीजिए, हम एक टर्म पढ़े थे दो तीन लेक्चर पहले या स्टार्टिंग में, हेलोइलीन शुरू करने से पहले हम देखे थे रेजोनेंस यानी कि अनुनाद।
तो वहाँ पे आपको हम क्या बताए थे कि वहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे यानी कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज में होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए। देखो तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस तो अच्छा खासा है। जब रेजोनेंस है तो यह अपना जो हैलोजन है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे यह इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यह बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। आओ इसको यहाँ समझते हैं। चलो तो यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड एक्स, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। क्लियर। अब ये नेगेटिव फिर से यहाँ पे जाएगा, ऐसा होते रहेगा, इसी को रेजोनेंस प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे यह बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है, दो इधर एक इधर और एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यह नेगेटिव जब यहाँ पे आएगा तो जो कार्बन है ना वो कहेगा तुम मत आओ, हम ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुके हैं। लेकिन सोचो नेगेटिव का काम ही है आना, जैसे नेगेटिव आएगा तो यह बॉन्ड उधर शिफ्ट, इसके ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड एक्स। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे पॉजिटिव दे सकते हो चूँकि हाइड्रोजन दो बॉन्ड बनाता है तो सब कह देते हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या होगा, यह नेगेटिव फिर से इस पोजीशन पे जाएगा। जैसे इस पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ भी कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाहेगा लेकिन इसका काम ही है जाना। तो जैसे यह आएगा यहाँ पे तो यह बॉन्ड नीचे चला जाएगा क्योंकि उसको स्टेबिलिटी भी तो चाहिए थोड़ा सा। जैसे यह बॉन्ड इधर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक्स और क्या प्लस। क्लियर। और फिर नेगेटिव यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ जाए ना जाएगा तो यह बॉन्ड अपने जगह पे जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा और कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोसेस आएगा। आप देख सकते हो एक्स इस पे लोन पेयर है ऑलरेडी। क्लियर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोला करते थे, जरा सोचिए इसमें हो गया रहा है तो आप देखोगे क्या कि जो आपका यहाँ पे क्या था, हैलोजन है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, एक नेगेटिव यहाँ आ रहा है, एक नेगेटिव यहाँ और एक पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव है कहाँ पर, एक यहाँ पर नेगेटिव और एक नेगेटिव यहाँ पर। जरा सोचिए जो आपका पाई बॉन्ड है, यह पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है ना, कभी यह यहाँ पे दिखाई दिया, फिर यही चीज़ आप पाओगे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दिया, फिर यही चीज़ फिर इधर ऐसे दिखाई दिया। तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड उस पूरे रिंग में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाने का तात्पर्य यह है कि इस रिंग में पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या इसमें सब सीखने को मिला, जरा सोचो जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्या निगेटिव चार्ज परमानेंटली यानी कि क्या हमेशा के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल नहीं। आप देखो कि कभी नेगेटिव यहाँ पे कभी यहाँ पे, हमेशा के लिए तो है नहीं। तो हम क्या देंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव लिखे है ना यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी जो नेगेटिव है वह क्या पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव पार्शियल, इसका मतलब होता है पार्शियल। और पार्शियल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आंशिक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, और आंशिक, और आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा देर के लिए नेगेटिव आया, फिर से वही कहानी। हाँ पॉजिटिव भी यहाँ थोड़ा देर के लिए, पॉजिटिव भी तो हमेशा के लिए नहीं है, और यहाँ भी तो थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड आ रहा था, देखो तो कि ये भी तो यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ा देर के लिए, तो इसको भी हम डॉट डॉट कर दिखा दिए। क्लियर। देखो और इसमें क्या सीखने को मिला, आप देखोगे यदि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो इस वाले पोजीशन को हम क्या बोला करते थे, ऑर्थो। इस वाले पोजीशन को भी हम क्या बोला करते थे, ऑर्थो। और इस वाले पोजीशन को हम क्या बोला करते थे, पैरा। और इधर वाले को मेटक है, यहाँ पर उसकी बात नहीं हुई। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हैलोजन, बात को समझो, जब हैलोजन जब हैलोजन इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो रेजोनेंस प्रोसीड हो रहा है तो हो क्या रहा है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है।
नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वह बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की आने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सोचो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वह इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और आकर इस पे अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करेगा, उसके पास दो ऑप्शन, एक ऑर्थो और एक पैरा। कहाँ अटैक करेगा, दोनों पे अटैक करेगा, निस्संदेह, सोचना नहीं है इसमें। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। इसी के साथ हम लोग कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना क्या, कि जब भी बेंजीन रिंग पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो हैलोजन उस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पाई ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की घनत्व बढ़ जाती है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा दोनों को भी अटैक करता है, क्लियर। सवाल ये रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगी तो कहानी कुछ दूसरी होती थी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। चलिए तो इसको लिखिए, फिर हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं, इसमें फिर क्या कहानी होती है देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखे जो हम लोग रेजोनेंस कराए थे, तो हम क्या आपको बताए कि यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी। ये देखे ना, अब रिएक्शन करा रहे हैं, सोचो सबसे पहला नंबर रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में क्या, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। देखो जो आपका हैलोएरिन होता है ना, वो हैलोजनीकरण ही दिखाता, मतलब कि हैलोजनीकरण नहीं कर सकते हो, ऐसे सोचो जो आपका हैलोरिन होता है ना वह इलेक्ट्रोफिलिक ही दिखाता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए तो आइए देखते हैं, ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन पे हैलोजन, एक काम करते हैं, इस हैलोजन इज इक्वल टू क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हम एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लियर। अब इसका हम हैलोजनीकरण कराएंगे, मतलब किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मान लो Cl को हम यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नीचे में इस चीज को लिख लीजिएगा, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, हिंदी में इसको हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। हाँ, यहाँ पे यदि I2 लेते तो आयोडनीकरण, यहाँ पे यदि हम Br2 लेते तो ब्रोमीनीकरण, ध्यान रखना और लेने के टर्म में है, यहाँ पे हम सिंपल Ca2 ले लिए, क्लियर। यह एरो आपको पास है, इसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाए आपको क्या, लुईस एसिड, जैसे कि AlCl3 आपको दिख जाए, FeCl3 दिख जाए, क्लियर। तो सोचो हैलोजन है तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा, और Cl2 से क्या आ रहा था, याद कीजिए जब हम लोग पढ़े थे क्या, मेथड ऑफ डिप्रेशन ऑफ हैलोएरिन, यानी कि हैलोएरिन बनाने की विधि, वहाँ पे हम सबसे पहले पढ़े थे बेंजीन से, और बेंजीन से हम लोग वहाँ पे देखे थे इसके बारे में, हैलोजनीकरण के बारे में, बेंजीन को जब हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो हैलो बेंजीन बन रहा था, हैलोएरिन बन रहा था, और वो कैसे बन रहा था, वहाँ से किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन के आ रहा था, उसका सारा मैकेनिज्म हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उस मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम रिएक्शन की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो याद करो वहाँ पे जो Cl2 लिए थे तो उस Cl में क्या था, Cl2 में क्या निकल कर आ था, एक Cl प्लस और जो आपका Cl2 था एक लुईस एसिड, मान लो हम यहाँ पे AlCl3 लेते थे तो AlCl4 माइनस हो जा रहा था, फिर यही AlCl4 जाकर अंत में उस हाइड्रोजन को ले लेता था, फिर HCl प्लस AlCl3 बाहर निकल जाता था, यही काम करते थे ना, यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को नहीं देखो तो आपका वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, देखना प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर का, वहाँ पर मिलेगा आपको हैलोएरिन का निर्माण, वहाँ पर इस चीज़ को बताया हुआ है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस Cl2 से क्या निकल के आएगा, C+, क्लियर। अब देखो
हम क्या बोले कि जैसे हैलोजन लगा हुआ है तो यहाँ से दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो Cl प्लस को एक ऑर्थो पे जोड़ दो, क्या दिक्कत है, और इसी Cl प्लस को एक पैरा पे जोड़ दो, Cl Cl। आप पाओगे इसका नेम क्या हो गया, सिंपली ऑर्थो डाइक्लोरो या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, या इसी को लिख सकते हो क्या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इस यहाँ पे क्या हो गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या सिंपली इसको लिखो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, क्लियर। चलिए ध्यान रखना, ये अलग बात है कि यह प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है यह मेजर प्रोडक्ट है, मेजर बोले तो अधिक मात्रा में, और यह माइनर प्रोडक्ट है, अल्प यानी कि थोड़ा सा मिलेगा, यह सर्वाधिक मिलेगा। मेजर हिंदी में क्या बोले तो इसको सर्वाधिक, और माइनर बोले तो अल्प थोड़ा सा, क्लियर। तो यहाँ से जैसे हम सेल टू देंगे तो यह दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक पैरा, क्लियर। चलिए ये तो हैलोजिनेशन में हम बात कर लिए किसकी, क्लोरीनेशन की, पहला रिएक्शन। नंबर टू की बात करते हैं, नंबर टू में हम देखने वाले हैं नाइट्रेशन, क्या देखने वाले हैं हम, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को हम हिंदी में कहेंगे नाइट्रीकरण, क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण जैसे हमारे पास टर्म आता है, याद कीजिए हम लोग बेंजीन का नाइट्रीकरण पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या बताया था, जैसे आपको नाइट्रीकरण टर्म आ जाए नाइट्रेशन, तो मतलब है कि यहाँ पे HNO3 और प्लस H2SO4, हाँ वो अलग बात है, या दोनों का दोनों सांद्रण फॉर्म में होगा यानी कि कंसंट्रेटेड, क्लियर। कंसंट्रेटेड बोले तो गाढ़ा, HNO3 प्लस H2SO4, हिंदी इसी को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंसंट्रेटेड। चलो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा इस दोनों चीज़ से, अलग मुख्य रूप से हम इसी का यूज करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका NO2 प्लस, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल इससे निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, हम लोग बेंजीन में पूरे डेप्थ में पढ़ चुके हैं इस मैकेनिज्म। चलिए NO2 प्लस आएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको दर्शाता है यहाँ पे, मान लो कि आपके पास यह बेंजीन है और इसी को उठाते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका नेम क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन, क्लियर। जैसे इस क्लोरोबेंजीन को प्लस क्या देना है, इसको इसको जैसे हम कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्रण HNO3 और इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ पे, बात को ध्यान देना कि इस नाइट्रेशन से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह कौन आएगा, NO2 प्लस। चलो और इस एरो के ऊपर आपको लिख जाए मिल जाए क्या, सांद्रण H2SO4। तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट, ये Cl है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट Cl और क्या NO2, और दूसरा Cl और NO2 या पैरा वाला प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर। तो यहाँ भी आपको दो प्रोडक्ट ध्यान रखना कि जब भी बेंजीन रिंग पे कोई हैलोजन लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो वह दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। आप देख सकते हो ऐसा क्यों बनाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब वह देगा रिंग पे तो उसमें क्या होता था, क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अभी देखे थे हम लोग, और उस रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस पे, ज़्यादा नहीं ये कहना गलत है, ज़्यादा होंगे, आप समझो कि उसका घनत्व वहाँ पे ज़्यादा होगा,
जब उसका घनत्व वहाँ पे ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वह उस ऑर्थो और पैरा पे झिझक के अटैक करेगा, और कहीं नहीं जा मेटा पे तो उसको मिलेगा ही नहीं। हाँ थोड़ा बहुत है लेकिन यहाँ पे अटैक करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिक्वायरमेंट है ना, उसको चाहिए कि हमको जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो उसके दिमाग में तुरंत जाएगा नहीं ऑर्थो और पैरा है, तुरंत जाकर यहाँ पर अटैक करेगा। तो दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक पैरा। और ध्यान रखना कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक में वह मेजर होता है यानी कि सर्वाधिक होता है, और जो ऑर्थो वाला होता है वह माइनर होता है। ये भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ऐसा क्यों आखिर पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है, थोड़ा क्यों मिलता है आपसे समझो। एक आपका यहाँ पे सी एल है और एक सी एल यहाँ पे, एक ऊपर में और एक नीचे में, एक सी एल यहाँ पे एक एन ओ टू यहाँ पे। तो सोचो इतना ना डिस्टेंस है ना, पहले इसको समझो। ये जो सी एल है इधर भी सी एल अगल बगल सी एल, तो अगल बगल सी एल तो क्या होगी, टकराहट बढ़ जाएगी ना। जब टकराहट बढ़ेगी तो स्थिर रह नहीं पाएगा, जब स्थिर नहीं रहेगा तो कम मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा हमको। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, इधर इधर कहीं से लड़ाई होने की संभावना ही नहीं है। तो लड़ाई होने की संभावना ही है तो सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा। यहाँ भी वही कहानी, सी एल और एन ओ टू में कोई क्राउडिंग नहीं, यहाँ पे क्राउडिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगल बगल है, बड़ा बड़ा ग्रुप है। देखो ना जब आप एन ओ टू का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एन डबल बॉन्ड ओ और क्या होगा, इसके बीच बीच क्या बड़ी पल्सन होगा, टकराहट होगी अगल बगल। जब टकराहट होगी तो थोड़ा सा मिलेगा, और इसमें काफ़ी दूर दूर तक कहीं सोचना ही नहीं है। तो यह आप कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। चलिए तो बस हम इसमें इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको हेलोएरिन के बेंजीन पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक ऑर्थो एक पैरा, और पैरा वाला प्रोडक्ट कैसा होता है, मेजर होता है, और ऑर्थो वाला माइनर होता है। तो पहला और ये दूसरा, इसको लिखिए। फिर हम नंबर थर्ड की बात करते हैं कि जब सल्फोनेशन होगा तो क्या होगा। चलिए नंबर थर्ड बात करते हैं हम सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण। और जैसे आपको सल्फोनेशन टर्म यहाँ पे आया सल्फोनीकरण, इसका मतलब है H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4। और इस H2SO4 से जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा वह क्या आ रहा था, देखो तो SO3H+। याद कीजिए बेंजीन सल्फोनेशन हम लोग पढ़े थे जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराए थे। चलिए तो यहाँ भी वही कहानी, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इसको ऐड कर दो। मान लो कि यहाँ पे हम बेंजीन ले लें और यहाँ पे आपके पास क्या है, सी एल है, डेट आर कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। यही काम करते हैं, बार बार हम सी एल ही ले रहे हैं, ब्रोमीन लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। जैसे आप इसको कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, थोड़ा सा हिट कर दो, यहाँ भी दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो वाले पे और एक पैरा वाले पे, खत्म कहानी। Cl ब्रोमीन और एक ऑर्थो वाला SO3H और प्लस Cl ब्रोमीन और फिर आपका SO3H। इसका नाम क्या है, याद करो, इसको हटा दो थोड़ा देर के लिए। इसको हम क्या बोले थे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, ब्रोमीन आ गया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और आपका ऑर्थो वाला है तो माइनर प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, देखो तो पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या कई बार हम लोग जल्दी में सल्फोनिक एसिड भी लिख देते हैं तो उससे घबराना नहीं है। सल्फोनिक एसिड यानी कि सल्फोनिक अम्ल हिंदी में बोलें तो यह आपका हो गया क्या, मेजर प्रोडक्ट यानी कि सर्वाधिक, और यह आपका क्लियर। चलिए
तो इसको लिखिए, फिर हम लेक्चर नंबर 4 देखते हैं जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। तो इसके पहले लिखो सही। तो पहले हम लोग पढ़ लिए हैलोजिनेशन, दूसरा हम लोग पढ़े नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण, तीसरा हम लोग पढ़े सल्फोनीकरण और चौथा एंड लास्ट जो कि होगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं बेंजीन के रिएक्शन में, याद करो ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में वही बोले पूछा हुआ भी है, यहाँ से एग्जाम में भी सवाल आए हुए हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझो ध्यान से क्या है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ना दो तरह से होता है, अभी आपका इलेक्ट्रोफिलिक में ही आता है, हम डिस्कस करेंगे अभी। यह जो होता है दो तरह से होता है, पहले वाले को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन। क्लियर। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिल। क्लियर। अब देखो हमारे पास, देखो फ्रीडल क्राफ्ट नेम है साइंटिस्ट का, उन्होंने अपने ही नेम पे इस रिएक्शन का नाम कर दिया। देखो एल्काइलेशन एक टर्म है और यहाँ पे एसाइलेशन टर्म, यानी कि हिंदी में एक आपका एसिलेन है, यह नेम है, नाम से कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है एल्काइलेशन और एसिलेन का मतलब क्या होता है, समझे बात को। एल्काइलेशन का जो मतलब होता है जिसको हम हिंदी में एल्किलन बोलते हैं, यानी कि हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। क्लियर। हम हैलोरिन लेंगे या बेंजीन लेंगे, उसको रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अभी हालांकि बेंजीन वालों पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग हैलोरिन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैलोरिन में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ। पहला केस जब कब, जब एल्काइलेशन लेंगे तब। एसिलन की कहानी क्या होगी, जब यहाँ पे हम एसिलन लेंगे, ध्यान से समझना बात को, यहाँ पे कहानी कुछ गड़बड़ होने वाली है। एल्काइलेशन तो सिंपली आप एल्काइल हैलाइड ले लिए हो, वहाँ पे एल्किलन तो है नहीं, वहाँ पे क्या है आपका टर्म एसिलन, तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन कराने वाले हैं वह किसके साथ, तो वह होगा आपका एसिड हैलाइड। हालांकि मुख्य रूप से अब यहाँ पे एसिड क्लोराइड क्लोराइड की चर्चा करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसी को हम क्या बोल देते हैं एसिड हैलाइड। क्लियर। चलो ध्यान देना चीज को, चलिए इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो हैलो एरिन तो ले लीजिए, ये आपका बेंजीन है और ये आपका मान लो कि यहाँ पे क्या ले लिए हम, सी ए ले लिए, इसको हम क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। और जैसे क्लोरोबेंजीन बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्काइल हैलाइड बोले तो आर एक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, और आर एक्स को एक काम करते हैं, इस R के बदले में तो हम सी एच थ्री तो ले सकते हैं, चूँकि R इज इक्वल टू एल्काइल, तो मान लो मिथाइल हो गया, हाँ सी टू एच फाइव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और X इज इक्वल टू मान लो क्या ले लिए क्लोरीन, तो हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के बदले में क्या ले लिए सी एच थ्री सी एल, इसका नाम क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड। देखो तो एल्काइल हैलाइड जैसा है ना, जैसे इसके साथ, हाँ इस ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोफिलिक, देखो दिमाग में चीज को बैठा लो, इलेक्ट्रोफिलिक जब भी होगा
तो वहाँ पे हम लुईस एसिड लेकर, चाहे आप बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक कराओ चाहे आप हैलोरिन का कराओ, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक की बात होगी तो वहाँ पे लुईस एसिड जरूर आएगा। और लुईस एसिड तो बहुत सारा है ना, आप किसी को यूज कर लो, AlCl3 FeCl3 बहुत सारा है, लोग डिस्कस कर चुके हैं कितना लुईस एसिड होता है, काफ़ी सारे एग्जांपल भी हम यहाँ पे मेंशन किए थे। चलो तो जैसे इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो इस CH3Cl से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वह किस फॉर्म में आता है, CH3+। तो बस करा दो रिएक्शन एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, तो आपका बेंजीन ClCH3 ऑर्थो वाला, और ये आपका बेंजीन और ClCH3 पैरा वाला, इसको क्या बोलोगे, सिंपली आप इसको बोल सकते हो ऑर्थो क्लोरो टोलविन। टोलविन कैसे, तो इसको हटाओ, या तो इसको हम मिथाइल बेंजीन बोले थे ना, इसी को हम टोलविन नहीं बोलते थे। यहाँ पे यदि Cl जोड़ दें तो इसके ऑर्थो पे क्या है, क्लोरीन है ना, तो ऑर्थो क्लोरोटोलविन, इसको क्या बोलोगे, तो पैरा क्लोरोटोलविन। और आपको हम बताते आए हैं अभी तक कि पैरा वाला मेजर होता है, क्यों होता है, कभी कभी ऑर्थो वाला भी मेजर होता है। इसे कि मान लो आगे रिएक्शन बताएंगे हम अल्कोहल के केस में, मान लो कि आपका जो OH है ना, मान लो OH है और यहाँ पे ऑर्थो पे क्या जोड़ दें, NO2, तो NO2 बोलें तो O डबल बॉन्ड O। अब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण देखो ये ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है, तो खैर अभी इसकी बात नहीं है, हैलोरिन केस में पैरा वाला मेजर याद रखना, और ये आपका माइनर, क्लियर। चलिए तो इस पूरे को आपको क्या बोलना है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हिंदी में फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलन। कई बार आपसे पूछेगा एग्जाम में कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलन का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हो आसानी से, या बेंजीन वाला बताए थे वहाँ उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं हम लोग एसाइलेशन के बारे। तो ए लीजिए आपका हैलोवेरिन बेंजीन, यहाँ पे Cl, क्लोरो बेंजीन, क्लियर। देखो यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास एसिड हैलाइड, इसी को हम एक और नाम बोलते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्कोनोइल हैलाइड, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कोई एल्काइल ले लीजिए, मान लेते हैं कि इस R के बदले में हम क्या ले लें, CH3 ले लें, क्योंकि R इज इक्वल टू एल्काइल है ना, और C डबल बॉन्ड O है, और X इज इक्वल टू मान लो क्या ले लें, Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है ना, तो हम इसको बोल देंगे इथोनोइल क्लोराइड, और इसी को हम बोलते हैं सिंपली क्या, एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड। अब इसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, मान लें बेंजीन है, यहाँ पे हम मिथाइल RX के फॉर्म में मिथाइल क्लोराइड लिए थे, यहाँ पे हम एसिड हैलाइड के फॉर्म में क्या ले लेंगे, इथोनोइल क्लोराइड। चलो तो यह हो गया आपका CH3, हाँ आप C2H5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया Cl, क्लियर। और इसको हम रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, AlCl3 या FeCl3, एक लुईस एसिड होना चाहिए। जब का CH3COCl है याद कीजिए, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आ रहा था, ध्यान देना चाहिए इसको, जब का CH3COCl है इससे जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आ रहा था वो यही था ना, देखो तो CH3C डबल बॉन्ड O+। बस कुछ नहीं करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को एक ऑर्थो पे जोड़ दो एक पैरा पे जोड़ दो, काम खत्म। तो Cl C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपका ऑर्थो पे ऐड कर दिए, और प्लस Cl C डबल बॉन्ड O और CH3 एक पैरा पे ऐड कर दिए। यहाँ भी आपका जो पैरा वाला है वह क्या है, मेजर है, और ये वाला आपका माइनर है। हाँ इसकी नाम की चर्चा कर देते हैं, देखो याद करो जो बेंजीन पे हम इसके साथ बेंजीन को इसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो वहाँ पे देखो तो यही आ रहा था ना हमारे पास CH3, इसको क्या बोले थे हम लोग, बोले थे एरोमेटिक कीटोन, और इसी का नाम हम लिखे थे क्या, एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन, हिंदी में भी लिखे तो वही कहानी,
एसीटोफिनोन, क्लियर। तो इसकी तुलना में इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो तो इसके ऑर्थो पे क्लोरो है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और इसको क्या लिख देंगे, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो समझना बात को, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, और यह हो गया आपका ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, क्लियर। चलिए तो ये रहा आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको नोट कीजिए, जहाँ दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका कंप्लीटली हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन समाप्त हो गया।